फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है अरब ने बनाया नया हिंदू मंदिर। ओ हाँ, इसकी न्यूज़ मैंने मैंने पढ़ी थी। भीड़ देख बौखलाया, क्या लिखा है, कट्टरपंथी हिंदू टेंपल यूएई। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें यह है कि सऊदी अरेबिया में तो ये रूल था कि को हिंदुइज्म को आप पब्लिकली नहीं प्रैक्टिस कर सकते, प्राइवेटली आप उन्हें करने करिए, मगर पब्लिक में हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करना मेरे ख्याल से अलाउड नहीं था। और इनफैक्ट आइडल वर्शिप भी अलाउड नहीं थी। मेरे ख्याल से किसी के अपार्टमेंट में मूर्तियां मिली थी तो उनको जब्त कर लिया था। आप बताइए, मगर ये इंफॉर्मेशन रेडली अवेलेबल है इंटरनेट में कि सऊदी अरेबिया में आप हिंदुज़म को ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं किस कंट्री की बात करें, देखेंगे, बट अगर सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं वहाँ पे तो डेफिनेट अलाउड नहीं है, जगह जगह इंटरनेट में लिखा हुआ है। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। आखिर कौन से मुस्लिम देश में बन गया है विशाल हिंदू मंदिर, जिसे देखकर कट्टरपंथी क्यों बौखलाए हुए हैं? मुस्लिम देश में बने इस मंदिर को देखकर आखिर क्यों कट्टरपंथियों की जान सूख रही है? आखिर क्यों तिल मिला रहा है पाकिस्तान? दोस्तों, आजकल कट्टरपंथियों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि धर्म का उदय हो रहा है। देश विदेश में हिंदू धर्म का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर अधर्मियों के तन बदन में आग लगी हुई है, क्योंकि जो लोग गजवाए हिंद का सपना देख रहे थे, हकीकत में अब उन्हें भगवा अरब होता दिखाई दे रहा है। जो लोग मंदिर तोड़ते थे, या यूं कहें कि जिनका इतिहास ही मंदिर तोड़ने से शुरू हुआ था, वह आज मंदिर बना रहे हैं। क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है जहां मानव से लेकर पशु पक्षी तक को भोजन और विश्रांति प्राप्त होती है। वहीं अन्य मजहबी स्थलों पर केवल समुदाय विशेष को छोड़कर किसी दूसरे को पानी भी नहीं मिलता। खाड़ी देशों को शायद ये बात अब अच्छी तरह समझ आ रही है कि यदि सुख शांति से रहना है तो हमें सनातन धर्म का सम्मान करना ही पड़ेगा, और वह कर भी रहे हैं। परंतु जिनके पुरखों ने तलवार के डर से सलवार पहन लिया था, वह अब आग बबूला हो रहे हैं। क्योंकि इधर भारत ने गजवाए हिंद पर करारा प्रहार किया है और उधर एक मुस्लिम देश ने भगवा अरब का द्वार खोल दिया है। आखिर किस देश ने खोला है भगवा अरब का द्वार? गजवाए हिंद पर कैसे प्रहार हुआ है? कट्टरपंथी क्यों बिलबिलाए हुए हैं? यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिए, वास्तविक आनंद तभी प्राप्त होगा। साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत गजवाए हिंद हो चुका है, न घंटी न शंख न आरती, अब हर तरफ केवल अजान सुनाई दे रही है, एक भी हिंदू नजर नहीं आ रहा है, और मंदिर तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। ऊपर अल्लाह और नीचे मुसलमान, इन दोनों के बीच में केवल कुरान, बाकी सब खत्म हो चुका है। भारत की धरती पर केवल एक ही मजहब जीवित है, बाकी सबका खात्मा हो चुका है। दोस्तों, ऐसा ही एक हसीन ख्वाब कट्टरपंथी सैकड़ों सालों से देखते आ रहे हैं। अभी यह ख्वाब चल ही रहा था कि अचानक दोनों गालों पर जोरदार तमाचे पड़ गए और कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई। जी हां मित्रों, एक तमाचा मारा है भारत सरकार ने और दूसरा तमाचा दुबई सरकार ने जड़ा है। दोस्तों, खबर आ रही है कि भारत सरकार ने PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर
बैन लगा दिया है। यह वही PFI है जो लगातार भारत के खिलाफ साजिश कर रही थी, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रही थी। यह वही PFI है जो 2047 तक भारत को पूरी तरीके से मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है। दिल्ली और मेरठ दंगों में भी इसकी अहम भूमिका उजागर हुई है। यदि एक वाक्य में कहा जाए तो यह एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जो भारत में अब तक वैधानिक रूप से संचालित था। तमाम प्रमाणों के आधार पर 27 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने PFI पर प्रतिबंध लगा दिया और यह जोरदार तमाचा पड़ते ही गजवा हिंद का ख्वाब टूट गया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक खास मजहब का दर्द छलक गया है। हलीम चाचा को अभी ठीक तरह से होश भी नहीं आया था कि दूसरा तमाचा दुबई सरकार ने जड़ दिया। अब हलीम चाचा के तन बदन में आग लगी हुई है। दरअसल दुबई के जेबल अली के वर्शिप विलेज में दुबई सरकार ने एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया। अच्छा? इस मंदिर का जब शिलान्यास हुआ था, भारत व पाकिस्तान के कट्टरपंथी उसी समय भड़क गए थे। सोशल मीडिया पर लगातार यह लोग दुबई सरकार को कोस रहे थे, परंतु एक मुस्लिम देश में कौन जाएगा मंदिर, कौन करेगा वहाँ पूजा, यह सोचकर वह शांत हो गए थे और गजवाए हिंद का ख्वाब देखने में मशगूल थे। और जैसे ही दुबई का यह मंदिर बनकर तैयार हुआ, इसकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से यह मंदिर 5 अक्टूबर को खुलेगा, परंतु भीड़ अभी से ही बढ़ने लगी। लगातार ऐसी खबरें सुन सुनकर हलीम चाचा अब सो नहीं पा रहे हैं। उनके सीने पर सांप लौट रहे हैं, क्योंकि गजवा हिंद की जगह अब उन्हें भगवा अरब दिखाई दे रहा है। गल्फ न्यूज के अनुसार यहाँ हिंदू लोग पूरे विधि विधान सहित पूजा अर्चना कर सकेंगे तथा दूसरे धर्मों को मानने वाले आगंतुकों को 16 देव प्रतिमाओं एवं मंदिर की साज सज्जा देखने की अनुमति होगी। मंदिर की साज सज्जा देखने के लिए यह मंदिर 1 सितंबर 2022 को ही खोल दिया गया था। इस दौरान 1 सितंबर को मंदिर प्रबंधन ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से QR कोड आधारित प्रवेश का समय बुक कराने वाली प्रणाली भी सक्रिय की है। दोस्तों, यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि वीकेंड के दिनों में यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं रह जाती। सफेद संगमरमर से बना यह बेहद खूबसूरत और भव्य मंदिर सुबह 6:30 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। खास बात यह है कि मंदिर प्रत्येक दिन खुला रहेगा और यहाँ कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं रखा गया। दोस्तों, भीड़ को नियंत्रित और कम रखने के लिए बुकिंग प्रणाली शुरू की गई है। गौरतलब है कि इतनी ज्यादा बुकिंग हो चुकी है कि मंदिर में प्रवेश पाने के लिए अक्टूबर के अंत तक कोई भी दिन नहीं खाली। बुकिंग प्रणाली भी अक्टूबर के अंत तक काम करेगी। इसके बाद लोग मंदिर खुले रहने के दौरान आने जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि आधिकारिक रूप से मंदिर का उद्घाटन 5 अक्टूबर 2022 को होना है, लेकिन 1 सितंबर से ही यहां वेद पाठ शुरू हो गया था। जानकारी के अनुसार भारत से गया हुआ 14 ब्राह्मणों का समूह यहां वेद पाठ कर रहा है और यह वेद पाठ सुबह के समय 7:30 बजे से 11 बजे तक और दोपहर बाद 3:30 से रात 8 बजे तक होता है। 70,000 वर्ग फीट में बना यह मंदिर इन दिनों खूब चर्चा में है। दूध जैसी सफेद मार्बल के 9 ऊंचे ऊंचे स्तंभ, विशाल प्रांगण, हाथों से की गई खूबसूरत नक्काशी, बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे आदि मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मंदिर को 2 चरणों में खोला जाएगा। पहले चरण में 5 अक्टूबर को पूजा स्थल आम लोगों के लिए खुलेगा। इसके बाद दूसरे चरण में 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति को ज्ञान कक्ष और सामुदायिक कक्ष आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस मंदिर में हवन पूजा आदि अनुष्ठान करने के साथ साथ शादी विवाह जैसे कार्यक्रम भी हो सकेंगे। यहाँ एक समय में लगभग 1200 लोग एक साथ पूजा कर सकते हैं। इस मंदिर की पहली मंजिल पर प्रार्थना सभागार है, जहाँ हिंदुओं के 16 देवी देवताओं की पूजा होगी। इसके अलावा सिखों की पवित्र किताब गुरु ग्रंथ साहिब को रखने के लिए भी एक अलग कक्ष बनाया गया। यहाँ 4000 वर्ग फीट का एक बैंक्वेट हॉल, एक मल्टीपर्पस रूम तथा एक ज्ञान कक्ष है। सामुदायिक हॉल और ज्ञान कक्ष में कई LCD स्क्रीन भी लगाई गई हैं। इसके अलावा पहली मंजिल पर तुलसी के पौधे के लिए पोडियम के साथ साथ 9 ग्रहों के लिए भी अलग अलग स्थान बनाए गए हैं। मंदिर की खूबसूरती, भव्यता और आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर भारत और पाकिस्तान के कट्टरपंथी आग बबूला हुए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वह दुबई सरकार को उल जलूल कमेंट के जरिए कोस रहे हैं। दरअसल उनकी यह बौखलाहट मंदिर के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है कि उन्हें अब गजवा हिंद की जगह भगवा अरब होता दिखाई दे रहा है।
5 अक्टूबर को जैसे इस मंदिर का उद्घाटन होगा हम आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी अवश्य देंगे। ऐसी जानकारी और पाने के लिए सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सिंपली मुंह से निकलेगा अगर आप ये मंदिर देखते हो, वाओ, बाहर से इतना सुंदर, अंदर से। देखिए इसमें मतलब ये अच्छी बात है कि इतने समय बाद, और दुख की बात है कि इतने समय पहले नहीं था, खुशी की बात है कि अब आया। इसका रीजन ये है कि इतने सारे जो दुबई में इंडियंस गए हैं, जो जिनका रिलीजन हिंदुइज्म है, उसके प्रेशर से ये हुआ है। जब किसी कंट्री को दिखा कि जो लोग आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनके बिना उनका खुद का गुजारा नहीं हो सकता, वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस के हिसाब से आपके पास होना चाहिए, नहीं तो हम गए बाय बाय। अगर वो ऐसी इन्वायरमेंट बनाते हैं जहां पे वो इंसान अपने रिलीजन को नहीं कर सकता, तो इट्स नॉट फ्रेंडली कंट्री, नहीं तो वो इवेंचुअली छोड़ के लोग चले जाएंगे और इवेंचुअली वो यही बोलेंगे कि हमारा देश ही बेटर है। यहाँ से यहाँ कोई और अच्छे देश जहाँ पे वो अपने इनके पास इनका काम नहीं चलेगा। हो ये रहा है, ये गुडविल की वजह से नहीं है, ये मजबूरी थी कि आपको करना पड़ा, क्योंकि और अच्छी बात है। और स्वामी नारायण ने भी इसमें हेल्प किया होगा, वेरी नाइस टू सी। वो भी तो बनाने वाले थे मंदिर, उनका भी तो हमने बहुत पहले एक न्यूज की थी कि वो भी शुरू वो भी बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हो सकता है दो बन रहे हो। ये वो वाला तो नहीं है, ये तो उनका मुझे पता नहीं कि स्वामी नारायण था कि दूसरा था, मगर मुझे लगता है वो उनका अमेजिंग मंदिर था ये तो बहुत। आप क्लैरिफाई करिए कि ये हमने स्वामी नारायण वाला देखा है कि दूसरा मंदिर देखा है। और हिंदू टेम्पल दोनों ही होते हैं, मगर मतलब ये मतलब वो दूसरा मतलब मेरा मतलब। तो मजे की बात ये है कि बहुत ही बढ़िया था, और देखिए उनको ये लग रहा था कि लोग नहीं आए। अब लोग आए हैं तो लोगों को समझ आया है कि क्यों किया गया है, कि इतने सारे लोग थे जिनके बल पे वो देश चल रहा है, और लोगों ने डिमांड किया कि हम वर्शिप नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम है। और इसके बाद जो है होपफुली सऊदी अरेबिया भी शायद कुछ सीखेगा कि आपने तो पूरा ही बैन किया हुआ है। ओ, उनका तो उतना स्ट्रिक्ट करके ऐसे किया कि आप पब्लिकली नहीं कर सकते डिस्प्ले अपने फेथ को, तो मेरे ख्याल से उनको भी कुछ लर्निंग आएगी, या फिर वहां के लोग बोलेंगे कि भैया हम तो दुबई जा रहे हैं। जाना चाहिए भाई, जहां पे आपके रिलीजन को, आपके भगवान को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वहां क्यों जाएगा कोई। मैं तो कभी ना सोचा। वेरी नाइस। और इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरे रिलीजन के लोगों को तकलीफ होगी, मेरी ऐसा सोच नहीं है। कैसे अगर आप ये पोर्ट्रे करेंगे कि भाई किसी और को तकलीफ हो रही, उसका मेरे पर्पस नहीं है, हमारे लिए हिंदुइज्म की प्रैक्टिस लोग कर पा रहे हैं, इसलिए आप खुश रहिए। और ये मत देखिए कि अगले को नेगेटिव हो रहा है, नॉट नेसेसरली। अगर उनको हो रहा है तो उनको उनको समझ गंदी है, वो इंसान ही गंदे। तो इसमें खुशी होनी, आपको खुशी इसलिए होनी चाहिए कि आप जो है मंदिर इतना सुंदर बना है। हेट्रेड नहीं, पर जिनको तकलीफ हो रही है वो उनकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, और तुम हेट्रेड करते रहो, इस तक तकलीफ करते रहो, हमारे मंदिर बनते रहेंगे जहां जहां हम हैं। अमेजिंग था, मजा ही आ गया, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।